ये हो गया, कहीं और साइन करना है? नहीं, बस इतना ही था। खूब तरक्की करो, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है, ठीक है? बहुत शुक्रिया मिस इकबाल, मैं अपनी बहन को ले जाती हूँ। लोन का काम तो नहीं हुआ ना? हुआ होता तो खुशखबरी लेके आती, पर खैर वो किस्मत में नहीं था, हमें इन चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जी जरूर मिस नाजली। मिस्टर नकतानी, आपसे मिलके खुशी हुई। मुझे भी। क्या तुम मीटिंग में आ रही हो ना? नहीं मैं। नाजली अब हमारे साथ काम नहीं करती है। वाकई में? लेकिन क्यों? जी आपने ठीक सुना, नाजली ने अब अपना काम शुरू कर दिया है, उसने खुद से एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। वाकई में ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा लगा सुन के। आपका बहुत शुक्रिया सर। दिल तो नहीं कर रहा कि तुम लोगों को अकेला छोड़ूं, और फिर मेरी बीवी भी इस मीटिंग में आएगी, वो तुमसे मिलना चाहती है। मेरी बात माने, नाजली अब नहीं आ सकेगी, काफी दिनों से वो बहुत मेहनत कर रही है अपने रेस्टोरेंट के ऊपर। मेरी बीवी को बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। क्यों नाजली? कुछ तो जरूर किया जा सकता है फरी साहब। मिस्टर नकतानी, आज शाम को मैं फ्री हूँ, मैं मीटिंग में जरूर आऊंगी और आपकी वाइफ से जरूर मिलूंगी। सुनकर खुशी हुई, ये हम सबके लिए अच्छा रहेगा, हम बहुत सारा ऑक्सीजन भर के ले जाएंगे। वो कैसे भर सकते हैं? तुम जानती हो कि मीटिंग कहाँ पर है, हम तो आज निकल जाएंगे, एक दिन रुक कर वापस आएंगे। क्या वहाँ रुकना होगा? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे लिए स्पॉन्सर में रुकना मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा फरीद साहब, मुझे भी ऑक्सीजन जमा करने में मजा आएगा, ये अच्छा रहेगा, मुझे खुशी मिलेगी। अरे यार नाजली, तुम्हारी बातें ना मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। पहले तुमने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वापस आई, फिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और अपने रेस्टोरेंट खोल लिया, अब जब रेस्टोरेंट नहीं चला। यार ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। मगर ये छुट्टी पे जाने का क्या मतलब है, तुमने कब सोचा, कब प्लानिंग की? मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, बताओ जरा। फतोश, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि ये छुट्टी नहीं है, जाना मजबूरी है मेरी, मिस्टर नकत आने की वजह से। अच्छा तो इसे फरीद साहब का कोई लेने देना नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, वह नकतानी साहब मुझसे सवाल पूछ रहे थे और वो मेरी जगह जवाब देता रहा कि नाजली ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैंने हाँ कह दी। क्या फरीद साहब को हमारे रेस्टोरेंट के बारे में पता है? नहीं, हम उनको इन बातों से दूर रखते हैं, अगर उन्हें पता भी चल गया तो वो मेरे पीछे मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। वो क्यों खुश होंगे यार नाजली, तुमने सुनसान को इतना बुरा बना दिया है, शायद वो कोई मदद ही कर दे। नहीं फतोश, मुझे उनकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पास भी आए। बिल्कुल तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल मेरे और चॉकलेट की तरह है नाजली, ना ही साथ रह सकते हैं और ना ही दूर रह सकते हैं। उन्होंने एक घंटे में तैयार रहने का कहा है। हाँ चलो तुम जल्दी जल्दी करो फतोश। ठीक है ठीक है। सलाम नाजली मैडम, अगर आप तैयार हैं तो हम चलें। क्या फरीद साहब नहीं आए? फरीद साहब अपनी गाड़ी में निकल चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा आपको लेकर आने के लिए। हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। देखा तुमने फतोश, आने की जहमत तक नहीं की उसने, ड्राइवर को भेज दिया। यही गरीब समझो कि उन्होंने बस की टिकट नहीं भेजी, मुझे लगता है कि वो अच्छे आदमी है। अल्लाह का शुक्र है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। मजाक बंद करो, आसमान का ख्याल रखना। ठीक है, देखो मुझे पल पल की खबर देती रहना कि क्या हो रहा है। परेशान मत हो, बस अपना फोन ऑन रखना ताकि मैं तुम्हें मैसेज करती रहूं। समझ गई ना तुम? अच्छा यार नाजली, तुम लोग एक साथ एक होटल में रुकोगे, मुझे एक एक खबर चाहिए, मुझे सारी खबर चाहिए कि क्या हो रहा है। फतोश अच्छा जाओ, तुम देर हो रही है। मुझे वाकई खुशी हुई कि आप आई, मुझे नहीं मालूम मैं अकेली होती तो क्या करती। तुम्हारा शुक्रिया। तो इतिश्मश्त है। मिस्टर नकतानी। खुशामदीद नाजली। वेलकम सर, आप कैसे हैं? शुक्रिया मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। आपकी मीटिंग का क्या हुआ? बस अभी खत्म हुआ है, पर हमारी कल सुबह एक और मीटिंग है। मुझे फरीद साहब कहीं नहीं दिख रहे। हाँ, मीटिंग खत्म होने के बाद फरीद साहब स्नोकर खेलने चले गए, मैं और मेरी वाइफ तुर्किश मसाज लेने जा रहे हैं। मैंने इस होटल की तारीफ सुनी है, तुम क्या करोगी नाजली? मैं होटल घूमूंगी, इस जगह की बहुत तारीफ सुनी है। बहुत अच्छे,
आप लोग इंजॉय कीजिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाय बाय। मिलते हैं। आपने बास्केटबॉल और स्नूकर अमेरिका में खेलना सीखा है? नहीं, अपने स्कूल में सीखा था मैंने। वहीं करीब में एक जगह थी जहाँ स्नूकर खेलने जाते थे हम। आप स्कूल से छुट्टी करके ये खेलने जाते थे? यकीन नहीं हो रहा मुझे, तो आप हमेशा से पढ़ाकू किस्म के बच्चे लगते थे जो फर्स्ट रो में बैठते हैं क्लास की। छुट्टी मार के नहीं बल्कि स्कूल के पास जाया करता था। ये बात तो सही कही। तुम अपने स्कूल डेज में क्या करती थी? मैं बहुत स्मॉल टाउन में पली बड़ी हूँ। हमारे इलाके में कुछ ज्यादा नहीं होता था करने के लिए। ताज्जुब की बात है, कोई इतनी पीसफुल जगह से आए और अचानक इतने गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो जाए, यकीन नहीं होता। ये बिल्कुल मुमकिन है। हमारा शहर इस्तांबुल, बहुत कम लोग होते थे वहाँ, खास करके कारोबारी हिस्से पे। कुछ ऐसे मालिक होते हैं जिनके सामने आपको चालाक बनना पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, कारोबारी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, खास करके ऐसे मुलाजिम जो उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगे रहते हैं। तुम ये येलो बॉल देख रही हो? लेकिन आप मुझ पे असर नहीं कर सकते। शर्त लगाओगी? कैसी शर्त? अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम मेरी हर बात मानोगी। जैसे कि? कुछ भी हो सकता है, अभी सोचा नहीं। आपके दिमाग में हमेशा कुछ ऊट पटांग चलता रहता है, आप जरूर कुछ बुरा सोचेंगे। ठीक है, मंजूर है। तो ठीक है फिर। अच्छा, अगर मैं जीत गई तो? ज्यादा ही तजुर्बा है आपको खेलने का। चाहो तो तुम ट्राई कर लो। मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं जानता था ये। तुम तो इस ब्लू बॉल को भी नहीं मार सकती। अब ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने हिट कर दी तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ। को दूसरे हाथ से पकड़ो, यहां आओ, अपने सीधे हाथ को पीछे लेकर जाओ, अपने उल्टे हाथ को थोड़ा इस तरफ लेकर आओ, खुद को थोड़ा सा बेंड करो। मैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी तीनों उंगलियों को टेबल पर रखो और थोड़ा सा राउंड करो, और स्टिक को अपनी ये वाली उंगली के बीच में रखो और स्टिक को थोड़ा सा ढीला पकड़ो। फोकस करो। बेहतर होगा आप मुझे मेरे हिसाब से खेलने दें। ये बॉल तो किस्मत से चली गई। क्या फर्क पड़ता है, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी भी। अच्छा बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं सोच के बताऊंगी आपको, मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। दोनों कमरों के लिए कार्ड्स हैं, एक अलग है, ठीक है, भूलना मत। जी बिल्कुल, शाबाश बेटा, शुक्रिया। खाना भी बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट और कल्चर तो बहुत ही पसंद आया मुझे। हेलो सर, मुझे मेरा कार्ड दे देंगे प्लीज? ठीक है, आपका नाम क्या है? नाज़मिया पिनार। नाज़मिया पिनार। फतोश, मैं अभी तक कमरे में नहीं गई हूँ। हाँ बिल्कुल, चुप हो जाओ यार फतोश। क्या फरीद साहब के साथ? हाँ,
या फतोश, मैं अपने कमरे में नहीं गई हूँ, मुझे जाने तो दो पहले। ये रहा आपका कार्ड। बहुत शुक्रिया कोई आपका। बात नहीं। ओ फतोश, मैं तुम्हें स्नूकर वाली बात बताती हूँ। यहाँ है ये। ओफ, कितना खूबसूरत कमरा है, लग रहा है जैसे कोई महल हो। इस बात को तो मुझे मानना पड़ेगा कि पूरे होटल में ये सबसे खूबसूरत कमरा है। समझदार आदमी है आखिर ये। उन्होंने देखा कि मैं गुस्सा हो गई हूँ, इसलिए मुझे अच्छा कमरा दे दिया। ओह या अल्लाह, ये गुलाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ओह हाउ स्वीट। हाँ फतोश, मैं बस अभी कमरे के अंदर आई हूँ, तुम मेरी बात तो सुनो एक मिनट। कमरा तो बहुत खूबसूरत है, मेरे कमरे से झील भी दिखती है और जंगल भी। शायद उन्होंने किंग स्वीट बुक कराया है, अब मैंने उनको माफ कर दिया है। वॉशरूम नहीं, वो तो मैंने देखा ही नहीं। रुको मैं देखती हूँ, एक सेकंड, मैं अंदर जा रही हूँ। यार फतोश, ये कोई वॉशरूम नहीं, ये तो पूरा महल लग रहा है। यहाँ तो रोज पेटल्स और कैंडल्स भी रखी हुई हैं। तुम फोन रखो, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे एक अच्छा सा शावर लेना है। मैं बाहर आके तुमसे बात करती हूँ। अरे नाज़ली, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। देखो चिल्लाओ नहीं, मेरी बात सुनो। फरीद साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको शर्म नहीं आती? कोई मदद करो मेरी। यार चिल्लाओ तो मत, बाहर लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सब लोगों को चिल्ला के बुला लूंगी कि आप जबरदस्ती घुस के आए हैं यहाँ पे। देखो प्लीज, घबराने की कोई बात नहीं। घबराने की कोई बात नहीं, चले एक कप चाय पीते हैं हम साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे मेरे रूम में कैसे घुस सकते हैं। आपने दरवाजा तोड़ दिया क्या अपने मजबूत हाथों से? नाज़ली, मैंने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा, मैंने तो अपने कार से दरवाजा खोला है। मुझे नहीं पता, आप रिसेप्शन पे जाके इस मसले को सॉल्व कीजिए। मैं अच्छा खासा नहा रही थी, आप अचानक से घुस आए। आपको कोई तमीज नहीं है कि एटलीस्ट नॉक ही कर ले गेट पे? क्या चाहते थे आप? नाज़ली, तुम्हें नहीं पता, ये मेरा कमरा है। जी हाँ, ये तो पूरा होटल ही आपका है, जहाँ चाहे वहाँ आप घुस सकते हैं। बाहर निकलिए प्लीज। या तो तुमसे कोई गलती हो गई है, या उन्होंने तुम्हें गलत कार्ड दे दिया है, या तुमने कोई गलत कार्ड ले लिया है। कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर है इस बात पे। क्या वाकई? तो ये कैंडल और गुलाब वाला रूम आपका है? हाँ। फिलहाल आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम तैयार होके बाहर आ जाना, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, सारे कैंडल्स मोमबत्ती बाहर में जाए मेरी तरफ से। ये जगह कितनी खूबसूरत है, मेरा तो दिल आ गया इस पे। फरीद साहब, क्या आप भी उसी बारे में सोच रहे हैं? मैं क्या करूं, वो बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही, खास तौर पे जब तुम जाग में डूबी हुई थी वो वक्त। तो क्या आप इस बात पे अब सुबह तक हंसते रहेंगे? तुम ये बात मानती क्यों नहीं, वो हंसने वाली बात थी। क्या हम इस बात को भूल नहीं सकते? चलो कोशिश करते हैं। वैसे तुम क्या हमेशा ऐसे ही करती हो? जो भी तुम्हारे बस में नहीं होता तुम ऐसे जाहिर करती हो जैसे वो हुआ ही नहीं।
और फिर तुम उस बात को भूल जाती हो। उस शर्त पे वापस आ जाते हैं हम। जरूर, तुमने सोच लिया तुम्हें क्या चाहिए? हाँ। ऊटपटांग चीजें नहीं करता मैं, ये बात तुम जानती हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। आपको ये काम आता भी है और आपने सीखा भी है। है? मुझे जानना है क्या वहाँ पे जा रहे हैं हम दोनों? नाज़ली, बहुत टाइम हो गया है, मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ नहीं याद। फरीद साहब, आपने वादा किया था, अब आपको वादा तोड़ना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी देर पियानो बजाएं। ये बहुत आसान है, आप फिक्र मत करें, मुझे पता है आप कर लेंगे। वो बात तो ठीक है तुम्हारी नाज़ली, लेकिन यहाँ आसपास बहुत लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। ये सब लोग परेशान हो जाएंगे, बल्कि मैं खुद शर्मिंदा नहीं होना चाहता। फरीद साहब, मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रही, तो अगर आप माइंड ना करें तो अब आप पियानो बजाना पसंद करेंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे मना कर रहे हैं, आप मुझे एक्सपर्ट लगते हैं, तो शुरू करें। चलो ठीक है। अंदर के कलाकार को बाहर निकाल दे आज। आपका शुक्रिया। अगर कोई बड़े पियानिस्ट यहां होते तो वो आपसे खुश होते। वैसे काफी दिनों बाद परफॉर्म किया, इसलिए मजा नहीं आया मुझे। ओहो फरीद साहब, कौन अपनी गलतियों के बारे में इतना सोचता है? लोग गाना सुनने आते हैं, सुन के चले जाते हैं, और इसके अलावा वो लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। मुझे बेहतरीन के पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है। बेहतरीन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में। मेरे ख्याल में हर चीज को इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, यही दुनिया का दस्तूर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरों के लिए अधूरा हो वो मेरे लिए मुकम्मल है। अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? हाँ, लेकिन ये बात तो सच है। जैसे मुझे अभी ऑमलेट खाने की दिली तमन्ना हो रही है। ऑमलेट इस वक्त? चले फिर अंदर चल के ऑर्डर कर देते हैं। मेरे पास इससे एक बेहतर ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ वो ऑमलेट तुम मेरे लिए बनाओ। फरीद साहब, मैंने रिजाइन कर दिया है और ये बात शायद आप भूल रहे हैं। अब मैं आपके लिए काम नहीं करती। पियानो बजा के मैंने भी तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। आखिरी बार प्लीज। आपको लगता है वो मुझे किचन में घुसने देंगे? क्यों नहीं, यहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, वो मुझे मना नहीं करेगा। और वैसे भी तुम कोई आम इंसान नहीं हो,
सिर्फ आखिरी बार। ठीक है, मैं तो सस्ते में निपट गई। यही खाना चाहते हैं? हाँ, यही जगह ठीक है। कैसा है? लाजवाब है। लाजवाब जैसी कोई चीज नहीं होती नाजली, ये सच में लाजवाब है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। मुझे अच्छा लगा आपको पसंद आया। आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी बात मानी। ऐसे एक बात तो है, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम कुछ भी पकाओगी अच्छा ही बनेगा। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आप इंजॉय कीजिए। एक चीज ज्यादा है सिर्फ। नमक ज्यादा है ना, मुझे पता है, जरा चखाइए। अरे नहीं नहीं नाजली, नमक तो बिल्कुल ठीक है, नमक ज्यादा नहीं है। साहब इजाफी है थोड़ा। क्या साहब? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फरीद बुलाया करो, सिर्फ फरीद। अब तुम मेरे पास काम नहीं करती। बात यह है कि मेरी जबान को अभी इस चीज की आदत नहीं पड़ी है। कब से आपको फरीद साहब ही कह रही हूँ। कोशिश तो करके देखो फरीद। मजा नहीं आया। तुम कैसे हो फरीद? ये थोड़ा बेहतर था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए फरीद। नहीं फरीद, कुछ तो शर्म करो। मतलब फरीद, मुझे लगता है ये थोड़ा ठीक है, आखिरी बार को छोड़कर। ठीक है, मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन बहुत अजीब। मैं और फतोश भी जब बात करते हैं तो आपको फरीद साहब कहते हैं। आपस में क्या बातें करते हो तुम मेरे बारे में? क्या बातें हो सकती हैं? वही कि फरीद साहब क्या कर रहे थे, फरीद साहब ने आज क्या खाया, बस वही बात। तुमसे तो पूछा ही नहीं मैंने, ऑमलेट खाओगी? हाँ जरूर। वैसे मुझे अपना बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अजीब बात है। फरीद साहब आप सही कह रहे थे, वाकई लजीज बना है। दूर से ही पहचान गई थी। सोचा मीटिंग से पहले थोड़ी सी जॉगिंग कर लो। थोड़ी जॉगिंग? मुझे लगता है कम से कम 3 किलो घटना चाहिए आपका। शायद आपको इस चीज की ज्यादा जरूरत है। यह है खास एनर्जी ड्रिंक, जिस्म और दिमाग दोनों के लिए। वैसे इसमें क्या क्या है? इसमें है अदरक, दालचीनी, लीमू, खीरा और बहुत कुछ। क्या इसको पीने के बाद एनर्जी बढ़ेगी? आपको पता भी नहीं था इसके अंदर क्या है, फिर भी आपने पी लिया। तुमने जो बनाया था, भरोसा है तुम पे। मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही? हाँ ठीक कह रही हूँ, मैं चलता हूँ। तुम क्या करोगी यहाँ? मैं यहाँ मिस नकतानी का इंतजार कर रही हूँ। हम यहाँ कुछ वक्त साथ गुजारने वाले हैं और मुझे उनसे जापनीज भी सीखनी है। 2-4 अल्फाज रह गए हैं, वो मैं आज उनसे बात करते हुए सीख लूंगी। मैं आपके साथ होटल तक चलती हूँ, शायद वो वहीं मिल जाए। मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा घबराई हुई थी, पर मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें यहाँ आना चाहिए था। अब हम एक दूसरे से अक्सर नहीं मिला करेंगे, क्योंकि तुम मेरे साथ काम नहीं करती ना। अब हमारे पास मिलने का, बात करने का कोई बहाना नहीं बचा है। हमारे दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, हम मिलते रहेंगे। हाँ शायद, पर पहले की तरह नहीं। जब मैं पहले ऑफिस देर से जाता था तो तुम घर पे ही होती थी, और तुम्हारे हाथ के खानों की तो आदत हो गई थी मुझे। मुझे भी आदत हो गई थी,
हाँ शायद। हम एक दिन आमने सामने आ जाएंगे और दोबारा मिल जाएंगे शायद। नाजली, फरीद, अब हमारे जाने का वक्त है। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। हाँ जरूर, have a good journey। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। ड्राइवर तुम्हें लेने आया था वही तुम्हें वापस घर छोड़ देगा। अभी चलें? चाहो तो हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपकी मीटिंग अभी खत्म हुई है, मुझे लगा आप आराम करना चाहते हैं कुछ देर। आप नहीं नाजली, तुम। मुझे अभी आदत नहीं हुई है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ पक्का। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, मुझे सब कुछ जानना है, जल्दी आओ। ठीक है, तुम यहाँ से निकली, होटल गई, पहुँच गई होटल में, फरीद साहब से मिली, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें नाजली कि क्या हुआ। और तुम लोग एक साथ एक होटल में रुके, रात गुजारी और तुम कह रही हो कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं कैसे मान लूँ, बताओ मुझे। बस मिस्टर नकतानी और उनकी वाइफ से मिले, दोनों बहुत अच्छे थे, हमें बहुत मजा आया और उन्होंने सलाम कहा। या अल्लाह, मैंने तुमसे उस आदमी के बारे में नहीं पूछा, मैं जो पूछ रही हूँ मुझे फरीद साहब के बारे में बताओ ना। यार फतोष, फरीद के साथ क्या होना है, कुछ भी नहीं हुआ, चुप भी करो तुम। क्या कहा तुमने, फरीद? मतलब फरीद साहब, और कुछ नहीं। हाय हाय, जबान नहीं फिसली, बहाने मत बनाओ तुम। अब जब तुम गई तो फरीद साहब के साथ गई थी और वापस आई हो तो फरीद के साथ आई हो। बहुत बड़ा चेंज आया है नाजली, कुछ तो हुआ है। हाय अल्लाह, बड़ा ही जबरदस्त रहा वैसे ये, पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। आसुमन, क्या तुम ठीक हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी सताई हुई लग रही हो जैसे पता नहीं क्या है, दो दिन से खाने को नहीं मिला, ऐसा ही मुंह लटक जाता है तब। जैसे बिचारी को दो दिन हो गए और घर वालों ने खाना तक नहीं दिया है। जल्द ही पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा सुमान, मुझसे राज रखने की जरूरत नहीं। कैसा राज कह रही हूँ ना, पता चल जाएगा आपको। हाँ, आ गए, आ गए। कौन आ गया है? फतोष जल्दी उठो, मुझे डर लग रहा है। आज की सुबह अच्छी होगी। बाबा जान। बाबा, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। आसुमान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुशामदीद बाबा, मैंने आपको बहुत याद किया।